ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज किसी नई वीडियो को हम सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो आप सभी को करना है, आप सभी को इस बैकग्राउंड को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस, फिर आप सभी को जाना है ऐड फोटो में एंड आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को है जो ऐड कर लेना है। एंड मॉडल को ऐड करने के बाद आप सभी को अभी यहाँ पे डन नहीं करना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे शेडो भी बनानी है। तो शेडो हम कहाँ पर मतलब शेडो बनाएंगे, बट हम इसमें यहाँ पे जो है मतलब कि ड्रॉ बिना ड्रॉ टूल के शेडो बनाएंगे, तो हमें क्या करना है उसके लिए। तो पहले तो यहाँ पे पहले मॉडल को अपने फिक्स कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। एंड यहाँ पे लगाने के बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में एंड यहाँ पे पहले ये बैग का पीएनजी ले लेंगे एंड इस बैग के पीएनजी को हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से रख देना है। चाहो तो बैग का पीएनजी आप लगा सकते हो या फिर आप बैग के साथ भी फोटो शूट करके आप उसको भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, मैंने आप सभी के लिए बैग का पीएनजी दे दिया है, तो आप यूज़ भी कर लेना। बाकी यहाँ से हम शेडो को ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। शेडो को लेने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से अपने पैरों के नीचे लगा लेना है। इससे गाइस ये होगा कि आप सभी का यार शेडो बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं मतलब देना पड़ेगा, और आप सभी को जो है मतलब कि एक क्लिक में आपकी शेडो भी जो यहाँ पे तैयार भी है बिल्कुल, है ना। क्लिक की तो कोई जरूरत भी नहीं है वैसे, मतलब शेडो मैंने आप सभी को बना के दे दिए। तो ठीक है, तो आप सभी कुछ इस टाइप से अपने पैर के नीचे यहाँ पे शेडो लगा लेनी है एंड उसका डुप्लीकेट करके आपको फिर दूसरे वाले पैर के पास भी लगा लेनी है। चाहो तो आप एक शेडो को भी आप पूरा लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो दो लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको यहाँ रख लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे एक और डुप्लीकेट लेयर करके, तो पहले मैं इसके साइज़ को यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लूँगा एंड डुप्लीकेट लेयर करके। सॉरी गाइस, ये थोड़ा उधर चला गया, तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा वापस से एंड इसको इस वाले शेडो को कुछ स्टेप्स अपने यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना, मेरे को लगता है कि गाइस यहाँ पे मैं मतलब दो शेडो लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यार बैग का पीएनजी है, तो यार हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक ही शेडो में निपटा देंगे इसको, है ना। अब चाहो तो दो भी लगा सकते हो, बाकी तो हम एक में ही कर लेते हैं, एक में काफ़ी बेटर लग रहा है मेरे को यहाँ पे, है ना। तो एक लगा लेते हैं यहाँ पे शेडो एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है यहाँ पे, आप सभी को देखो यहाँ पे तो हमारा मॉडल भी एकदम फिक्स एकदम काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं डन एंड गाइस, उसके बाद जो है आप सभी को आगे क्या करना है, आप सभी को अब जाना है यहाँ से ऐड फोटो में दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से हम एक डार्क शेडो का पीएनजी लेंगे, ठीक है। तो जो कि गाइस आप सभी को कुछ नहीं करना है, आप सभी को फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप से लगा लेना है एंड जो है नीचे से डार्क आ जाएगा, तो हमारी फोटो और भी नेक्स्ट लेवल की लगेगी इस पीएनजी की वजह से, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा सा चाहो तो अमाउंट कम भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अमाउंट थोड़ा सा कम कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको कर देंगे डन, ठीक है गाइस। तो अभी से हमारी फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है, अभी तो हमें इसमें काफ़ी चीज़ें करनी है, तो अभी वेट करो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ऐड फोटो में एंड एक पीएनजी और ऐड करेंगे यहाँ पे, जो कि है पार्टिकल्स के। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले फुल स्क्रीन करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में एंड इसको कर देंगे यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन कर देने के बाद मेरे को इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो आप सभी को भी इसकी ओपेसिटी जो कम कर लेनी है, ठीक है। ओपेसिटी आप सभी को कम कर लेनी है एंड जो फेस पे एरिया आ रहा हो, आओ जहाँ जहाँ आप सभी को नहीं चाहिए ये, तो वहाँ से आप सिंपली इरेजर टूल में जाके इरेज कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पे आप कर लेते हैं हम डन, ठीक है। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा करेंगे डोजन बन, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे ऐसे टूल्स में और फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद हम इसमें थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे एंड इरेजर टूल में जाएंगे इन्वर्ट कर देंगे एंड ऐसे ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे एंड साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेंगे एंड उसके बाद फोटो को हम अपनी जूम करेंगे एंड जूम करने के बाद हम कुछ इस टाइप से इसके ऊपर हम शेडो और सॉरी शेडो नहीं हम डोजन बन करेंगे, कुछ इस टाइप से पेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि गाइस आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप सभी को जिस टाइप से कर लेना है, इससे क्या होगा गाइस की जो मतलब की फोटो है ना गाइस, मतलब की थोड़ी अलग ही चमक आ जाती है इस चीज़ से, तो फोटो में और भी अच्छा लुक आता है। और यार हमें यही तो चाहिए कि हमारी फोटो में अच्छा लुक आए, तो हमें इसलिए थोड़ी मेहनत करते हैं हम फोटो में। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे पेंट कर लेना है एंड मैं थोड़ा यहाँ पे हेयर के ऊपर भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं एंड उसके बाद हमने थोड़ा नेक के पास भी कर देता हूँ एंड यहाँ पे करते हैं हम डन एंड जो उसका अमाउंट है उसको हम बढ़ा के रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अराउंड को 26 तक रख देंगे एंड उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से कर देंगे डन। तो पहले इरेजर टूल में जाके जो मतलब कि कुछ एरिया रह गया, तो गाइस पहले मैं इसको इरेज कर लूँगा एंड यहाँ पे हम डन करेंगे एंड यहाँ पे हम परफेक्टली बिल्कुल डन कर देंगे। अब यहाँ पे जो है हमारी फोटो यहाँ पे जो है पिक्सआर्ट से तैयार है, ठीक है। अब इसमें हमें तो करनी थोड़ी कलर करेक्शन, जो कि हम करते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो यहाँ पे हम फोटो को सेव कर लेंगे एंड यहाँ से चलेंगे हम बैक एंड लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेंगे। एंड गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किए, तो यार प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और यार वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो अब इसको हम सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेंगे एंड उसके बाद इस लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो उसका कॉन्ट्रास्ट हम इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे एंड जो हाईलाइट है इसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे एंड जो शेडो है इसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे एंड जो व्हाइट है इसको हम थोड़ा माइनस कर देंगे,
ना इसको भी प्लस में रख लेना ठीक है। एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा कम कर लेना हो सके तो, एंड इसको कम कर लेना है, इसको जाना कलर्स में, एंड इसका जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है। एंड जाना आप इसको मिक्स में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड गाइस रेड कलर को सिलेक्ट करना है, एंड जो इसका मतलब कि रेड बैग है ना जो हमारा, इसका थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर देना है क्योंकि वो ज़्यादा ही मेरा लाइट लग रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा इसका जो कलर भी थोड़ा चेंज करेंगे थोड़ा, तो इसका ह्यू भी चेंज कर देंगे, ल्यूमिनस को हम थोड़ा सा माइनस की तरफ रख देंगे। एंड इसको जाएंगे येलो कलर में, एंड इसके ह्यू को थोड़ा माइनस करेंगे, एंड सैचुरेशन को प्लस कर देंगे। एंड उसके बाद ग्रीन कलर को लेंगे, एंड इसके ह्यू को भी बिल्कुल माइनस कर देंगे। एंड इसको जाएंगे ब्लू कलर में, इसके सैचुरेशन को कुछ इतना माइनस कर देंगे हम, एंड उसका जो ह्यू है थोड़ा इसको भी हम थोड़ा माइनस कर देंगे, एंड यहाँ पे कर देंगे हम डन। एंड उसके बाद जाएंगे हम इस नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी हम इसको बढ़ा देना है हमेशा की तरह ठीक है, फोटो की क्लियरिटी। एंड जो फोटो में विग्नेट है इसको आप थोड़ा सा डाल देना है, वरना वैसे तो विग्नेट है ही तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। बाकी आप सबको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, फिर जाना नीचे वाले टूल में, एंड उसके बाद जो फोटो की शार्पनेस है इसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो नॉइस रिडक्शन है आप सबको इसको भी बढ़ा देना है ठीक है गाइस। इतना कर देने के बाद आप सबको जो कलर नॉइस रिडक्शन दिखेगा नीचे तो उसको भी बढ़ा देना है, जो कि कलर का नॉइज़ होगा सब कुछ गायब हो जाएगा। तो गाइस जो भी हमारी फोटो का रिजल्ट आया है या पिक्सआर्ट और लाइट रूम के मदद से, तो गाइस वो रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को यार वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार आप सभी को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस मैं आप सभी से बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मैंने लास्ट में आप सभी के लिए दो वीडियो लगा रखी है एंड स्क्रीन में, आप दोनों को इन दोनों में से जोन सी वीडियो बेस्ट लग रही है प्लीज़ यार दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को वॉच करो, ताकि यार मतलब कि आप सभी को पता भी चल जाएगा मेरे चैनल के बारे में, एंड बाकी आप मेरी वीडियो को देख लेना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।